दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये आपके सामने एक ऑडियो प्रोटोन का सर्किट बोर्ड है। तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हाथों हाथ देता रहूं और धीरे धीरे आपके सामने ये एम्पलीफायर ओके हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसमें कोल्ड टेस्ट किया है। कोल्ड टेस्ट में मैंने ये देखा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी हुई है, कोई चीज़ गलत तो नहीं लगी हुई, तो ये सब मैंने इसमें जानकारी ली है। जो रेजिस्टेंस इसमें जली हुई थी वो मैंने लगा दी हैं। ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर मैंने लगाए हैं, तीन लगाए हैं आउटपुट में। ये वाला ट्रांजिस्टर 5200 की जगह लगाए हैं। इनका नंबर है 21194। और यहाँ पर लगाए हैं 1943 की जगह पे 21193। ये ट्रांजिस्टर जो होता है 1943 की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता है और महंगा भी आता है। तो मैंने ये सिर्फ इसमें 6 ट्रांजिस्टर लगते हैं, मैंने अभी 3 ही लगाए हैं। 3 मैंने इसे लगाया ताकि पहले टेम्परेरी इसको चेक कर लूँगा। ओके होने के बाद में फिर उसके बाद में इसमें सारे ट्रांजिस्टर लगा देंगे। अभी इसमें फॉल्ट फाइंडिंग भी करनी है काफ़ी सारी, आपको धीरे धीरे सारी बताऊँगा कि क्या क्या इसमें फॉल्ट आते हैं। और इसकी एक छोटी सी वीडियो मैंने पहले भी डाली है, उसमें मेरे सब्सक्राइबर ने बताया है कि यही बोर्ड सेम उसके पास है, उसमें ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है और उसके आउटपुट के ट्रांजिस्टर भी हीट हो रहे हैं। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अभी मैंने कोल्ड टेस्ट में इसके सारे ये जो डायोड लगे हुए हैं, जितने भी डायोड लगे हुए हैं, ये सारे मैंने चेक कर लिए हैं, सारे ओके हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ये जो प्रीसेट लगता है, यहाँ पर गलत वैल्यू का लगा हुआ था। यहाँ पर लगता है 200 ओम का, ठीक है। यहाँ पर लगा रखा था 1K का, तो ये ट्रांजिस्टर मैं 200 ओम का लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 3K की का प्रीसेट लगता है। यहाँ पर 3K का प्रीसेट लगाने की बजाय उन्होंने यहाँ पर लगा हुआ है 2K का प्रीसेट। तो 200 ओम का तो पहले ये लगाऊंगा, ठीक है। ये जो प्रीसेट होता है, अगर इस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ये ख़राब हो जाता है, तो HFE वैल्यू होती है इन ट्रांजिस्टरों की, उसमें अगर फ़र्क होता है तो आउटपुट में DC ऑफसेट की प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये वाली भी इसकी जली हुई थी, ये मैंने लगा दी है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने इसके जो जो सामान मुझे नज़र आ रहे थे ख़राब, वो मैंने इसमें लगा दिया है। ये रेजिस्टेंस है भी इसकी, ये वाली रेजिस्टेंस है इसकी जली हुई थी 1K की, ये मैंने लगा दी है। अब ये इसमें ये प्रीसेट लगाऊंगा, ये वाला प्रीसेट लगाने के बाद में फिर इसको सप्लाई देके इसको चालू करूंगा। उसके बाद देखता हूं कि क्या और प्रॉब्लम सामने आएगी। तो जो जो प्रॉब्लम मेरे सामने आते जाएंगे, मैं आपको आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अब ये अच्छा, इसमें एक चीज़ और नज़र आई है मेरे को गोल्ड टेस्ट में, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी हम चेक करते हैं तो उसके ये जो बेस में जो रेजिस्टर लगी होती है, ये वाली, मतलब हर ट्रांजिस्टर में बेस में रेजिस्टर लगी होती है, तो ये रेजिस्टेंस से भी चेक करनी होती है। तो इसमें से एक रेजिस्टेंस ख़राब निकली है, ठीक है। तो वो भी मैं अभी इसमें डाल दूंगा, या तो ये ख़राब निकली है या ये ख़राब निकली है, मैंने जब चेक किया था तो पता लगा था। तो ठीक है, ऐसे जब भी कभी ट्रांजिस्टर के शॉर्ट निकलते हैं किसी भी एम्पलीफायर के, तो उसकी बेस की रेजिस्टेंस से, एमिटर की रेजिस्टेंस से, ये सारी चेक करनी पड़ती है। तो कोल्ड टेस्ट में चेक कर लो तो पता लग जाता है। तो ये वाली रेजिस्टेंस से मैंने चेक करी, एक ख़राब निकली है, वो मैं लगा दूंगा। फिर इसको सप्लाई देके चेक करेंगे क्या दिक्कत है, जो जो प्रॉब्लम, या तो ये ओके हो जाएगा एक ही बारे में, ओके नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें इसको इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और आपके सामने प्रॉब्लम
सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो थी इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।